अभिजात जी, प्रत्युष की हत्या हो गई है और वो युवा मोर्चे के प्रदेश मंत्री भी रह चुके हैं, आप युवा मोर्चे नेता हैं, आप मतलब क्या लग रहा है आपको कि क्यों ऐसी चीजें घटनाएं घट रही हैं? देखिए प्रत्युष जी पार्टी के एक निष्ठावान सिपाही थे और जो भी काम उनको दिया जाता था रात में, चाहे 2 बजे हो चाहे 3 बजे हो, कभी भी उनको कोई भी काम दिया गया उन्होंने निष्ठा के साथ में हर काम को किया। हर आंदोलन में बढ़ चढ़ करके सपा और बसपा के शासन में लाठियां डंडे तक का उन्होंने खूब खाए और उनके ऊपर जिस तरह से था ये हमला हुआ है, ये बहुत ही मतलब घटिया किस्म का पुलिस का जो रवैया था, मुझे तो ये रवैया देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूर्व का प्रदेश का पदाधिकारी होने के बाद भी उसकी नहीं सुनी गई। उसने कई बार सूचित किया, वो मुझसे भी मिले, मिलकर के उन्होंने पूरी घटना को मुझे बताया था कि ऐसी घटना हुई है। मैंने कहा कि FIR हुई, जिनका FIR हुई है, पुलिस ने मुझसे कहा है कि मैं 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करूंगा। लेकिन उसके बाद मेरे प्रवास के कार्यक्रम लगे हुए थे, मैं वो केरला चला गया, फिर अभी मैं तेलंगाना में हूँ, अभी चुनाव की सभाएं चल रही हैं। तो ये जो सब घटनाक्रम हुआ ये बहुत ही गलत है और मैं चाहता हूँ कि अपने संगठन और पार्टी उसके परिवार को पूरी तरीके से संरक्षण दे। मेरे टाइप के बच्चे हैं और कोई आय का स्रोत इतना अच्छा नहीं है, वो कोचिंग वगैरह अपना पढ़ा करके किसी तरह से अपने गृहस्थी भी चलाता था, पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम करता था। एक तो उसके परिवार का पूरी तरीके से संगठन और पार्टी को संरक्षण देना चाहिए, उसके परिवार को मुआवजा अच्छा मिलना चाहिए और उनकी पत्नी को भी कहीं ना कहीं पर नौकरी भी मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग भी है। मैं संगठन में अपने बड़े लोगों से बात भी कर रहा हूँ, जिसके परिवार को और उनको जो है इस प्रकार से जो क्षति हुई है तो उनके बच्चों के भविष्य के लिए पार्टी और सरकार दोनों ख्याल रखें उनका। जी जी जी। और जो अपराधी हैं उनको तत्काल पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो भी सजा हो सकती है वो उनको सजा मिले, क्योंकि वो बेसिकली अपराधी लोग हैं, वो डाउन टाइप के होकर के हैं, तब जिन लोगों ने भी काम किया। जी जी ठीक है, धन्यवाद जी।